17 नवंबर 2019 को डीडीए पार्क सेक्टर 13B में नेताजी नगर की शिवाजी शाखा का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें अच्छी संख्या में स्वयंसेवक आए हुए थे। इस संघ की शाखा में नगर कार्यवाहक सुरेंद्र जी, मंडल कार्यवाहक श्री लक्ष्मी नारायण जी एवं नगर पौर कार्य प्रमुख श्री अशोक कुमार जी उपस्थित थे। स्वयंसेवकों द्वारा योगाभ्यास और अलग अलग प्रकार के कई खेल खेले गए। इसके उपरांत संघ के विभाग प्राध्यापक कार्य प्रमुख श्री वीर बहादुर जी ने शाखा एवं उत्सव के संबंध में अपने विचार रखते हुए व्याख्यान दिया और अंत में प्रसाद वितरण किया गया। Nityanandini, one of its kind authentic Kerala Ayurvedic Panchkarma Center in Dwarka. Ayurvedic doctor is also available for consultation. Experience the healing. 17 नवंबर को द्वारका के सेक्टर 22 पार्क में सुखदुख के साथी संस्था ने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया, जिसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट एमसीडी की मेयर श्रीमती कमलजीत सेरावत चीफ गेस्ट थी, एसीपी राजेंद्र सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर थे और द्वारका सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन के एसएचओ तथा ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन और स्पोर्ट्स कंपटीशन रखा गया था, जिसमें 70 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड विजेताओं को एसीपी राजेंद्र सिंह और कमलजीत सेरावत के द्वारा प्राइज दिया गया तथा संस्था के लोगों के द्वारा भी बच्चों को गिफ्ट दिए गए। सोलह नवंबर को एपीजे द्वारका कैंपस में एपीजे ने अपना एनुअल इंटर कॉलेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल फेस्टिवल मनाया, जिसका थीम सिनर्जी 2019 था। यह फेस्टिवल छात्रों को टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेशली था, जिसमें स्पोर्ट्स गेम्स स्टोरी टेलिंग और कल्चरल प्रोग्राम डांसिंग सिंगिंग फैशन शो तथा मिस्टर एंड मिस सिनर्जी 2019 कंटेस्ट और भी बहुत कुछ था, जिसमें 200 से ज्यादा छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। 17 नवंबर को द्वारका सेक्टर 14 में एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी एनजीओ की तरफ से गरीब महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे गए और उनको जागरूक किया गया इसके यूज के लिए, और इसी के साथ वहां मौजूद छोटे छोटे बच्चों को स्नैक्स और बिस्किट भी बांटे गए। सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बने। देवो संस्था, जो कि एक निशुल्क वृद्धा आश्रम है, यह द्वारका मोड़ के पास स्थित है, जहां की अनाथ दिव्यांग और वृद्ध लोगों को संरक्षण दिया जाता है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया, इसी को देखते हुए रोबिनहुड आर्मी ने वहां रह रहे लोगों को कंबल, व्हीलचेयर और मेडिकल किट्स बांटे और उनके साथ समय बिताया तथा उनका मनोरंजन भी किया। इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप हमारे Facebook के पेज को लाइक कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट www.radiodwarka.com पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।